तो ये आता है 12 इंच का, ये भी 12x12 होता है, इसका प्राइस है 70 रुपए। इसकी थिकनेस 250 GSM है, तो इसकी क्वालिटी काफी अच्छी होती है, इजिली 4-5 साल कम से कम ड्यूरेबल होता है। दोस्तों आप लोग की तमाम रिक्वेस्ट मेरे पास में आ रही थी कि मैं लखनऊ में कुछ ग्रो बैग के बारे में बताऊं कि ग्रो बैग कहां पर मिल जाएंगे। मैं आज आप लोग को कपूरथला में गार्डन मार्ट में लेके आया हूं और विजय जी हमें कुछ ग्रो बैग दिखाने वाले हैं। तो विजय जी स्वागत करता हूं आपका मल्टी गार्डनिंग चैनल पर, कैसे आप बताइएगा? हम बहुत अच्छे हैं, आप सब कैसे हैं? जी सब गार्डनिंग आपकी अच्छी चल रही हो, आशा करते हैं ऐसी। बाकी ग्रो बैग के बारे में आप लोगों की डिमांड थी, इसलिए कुछ ग्रो बैग के साइज अभी मंगाए गए हैं और कुछ और नए साइज आपको मिलेंगे बहुत जल्दी। ग्रो बैग आपने कौन कौन साइज मंगाया है? अभी हमारे पास जैसे नॉर्मल छोटे साइज के चलते हैं जो मीडियम प्लांट्स के लिए होते हैं 10 इंच 12 इंच के, और बड़े में अभी 18-24 इंच तक हमारे पास अवेलेबल हैं। और बाकी कुछ साइज आते हैं जो रेक्टेंगुलर आप लोग यूज करते हैं वैसे, वो अभी नहीं अवेलेबल है, पर कोशिश करते हैं बहुत जल्दी ही वो भी मिलेंगे आपको। इनका जीएसएम क्या है? ये 250 GSM का एक होता है, जिसकी इसकी थिकनेस 250 GSM है, तो इसकी क्वालिटी काफी अच्छी होती है, इजिली 4-5 साल कम से कम ड्यूरेबल होता है। और बाकी आप देख सकते हैं जब आएंगे तो आपको उसकी थिकनेस या उसकी क्वालिटी का पता छूकर चलता है, तो एक बार आप आकर जरूर देख लीजिए। इसकी लाइफ क्या होगी, कितने साल तक चलेगा ये? कम से कम 4-5 साल चल जाता है, क्योंकि ग्रो बैग है और आप नॉर्मल प्लांट लगाओगे तो धूप में रहता है, इसलिए 4-5 साल इसकी जो नॉर्मल लाइफ है वो है। विजय भाई इनको किस तरीके से तैयार किया जाता है? भैया हम लोग, एक तो ये होता है कि जैसे रेडीमेड आते हैं, रेडीमेड में श्योरिटी नहीं होती कि कौन सी चीज़ कितनी अच्छी है, तो हम कोशिश करते हैं कि हम आपको जो चीज़ दें उसमें हम श्योर हों कि अच्छी चीज़ है, ताकि आपके लिए भी एक ट्रस्ट जनरेट हो पाए। तो हम इसका शीट खुद मंगवाते हैं और खुद ही तैयार करवाते हैं, अपने साइज़ के हिसाब से जो ज़्यादा साइज चलते हैं उस हिसाब से हम तैयार करवा लेते हैं, तो उसी हिसाब में ये सब आते हैं। जैसे नॉर्मल जो मिलता है थोड़ा बहुत हो सकता है प्राइसिंग का, ये अच्छी क्वालिटी ना होने के कारण हो सकता है सस्ता महंगा अंतर रहता हो, पर हम जो चीज़ देते हैं वो हम खुद तैयार करवाते हैं, तो इसलिए हम श्योर हैं कि चीज़ अच्छी है और प्राइस भी आपको जो मार्केट में उससे अच्छा मिलेगा। इसमें कौन कौन से पौधे हम लगा सकते हैं? पौधे तो देखिए आप जैसे गमले में लगाते हैं जो साइज के, नॉर्मल अरीका पाम हो गया, ये हो गया, तो वो आप जैसे साइज के हिसाब से जो साइज आप गमले में तैयार कर सकते हैं उसी, जैसे 10 इंच गमले में आप नॉर्मल गुलाब वगैरह लगा लेते हैं तो वैसे ही सेम 10 इंच का एक ग्रो बैग है, इसमें वही सारे पौधे लगेंगे जिनमें जो कम मिट्टी में चल जाते हैं। फिर आपको पाम ट्री वगैरह लगाना है तो उसके हिसाब से थोड़ा बड़ा 15 इंच के आसपास का ग्रो बैग आपको जरूरत पड़ेगी, क्योंकि वो बढ़ता है तो आपको चेंज करना पड़ता है। इसके अलावा 15 इंच में आप जैसे सब्जियां लगाना चाहते हैं तो आप शिमला मिर्च, टमाटर, बैंगन, ये सारी चीज़ें लगा सकते हैं, इजीली चल जाएंगी, जो छोटे ग्रो बैग में नहीं चल पाते हैं। बाकी है बड़े भी, जैसे फल के पौधे आप लगाना चाहते हैं चीकू वगैरह, तो उसके लिए ये है 18 इंच का है, या फिर इससे बड़ा आप चाहोगे तो 24 इंच का मिल जाएगा, और उनमें आपके फल वाले पौधे भी बड़े अच्छे चल जाते हैं। हालांकि ग्रो बैग की लाइफ जो है वो सेल्फ लाइफ लगभग 4-5-6 साल ही रहती है, तो आप फल से ज़्यादा अच्छा है कि आप सब्जियाँ तैयार करो या फिर 100 प्लांट्स लगा लो, वो ज़्यादा इफेक्टिव होता है। अगर आपको फल वाले लगाने हैं तो वो आप नॉर्मल पॉट में भी लगा सकते हैं, वो ज़्यादा अच्छा ऑप्शन होगा, क्योंकि अगर आप इसमें लगाते हैं तो आपको बदलना पड़ेगा एक समय के बाद। इनकी मिट्टी हमें किस तरह तैयार करनी है? देखिए ग्रो बैग हम लोग स्पेशली इसीलिए लगाते हैं ताकि हमारे अगर हम छत पे लगा रहे हैं या ऐसे लगा रहे हैं तो थोड़ा हल्का बना रहे, तो आपको अगर ग्रो बैग के लिए मिट्टी तैयार करनी है तो ग्रो बैग वैसे भी हल्की चीज़ है, इसमें आप मिट्टी तैयार करने के लिए कोकोपीट, वर्मी कंपोस्ट और मिट्टी इनका सेम रेशियो रखिए, मतलब 1/3 1/3 1/3 रखिए और मिला के इजिली लगा सकते हैं, क्योंकि इसी से लाइट वेट रह पाएगा ग्रो बैग। और ग्रो बैग में अच्छी बात यही होगी कि आप कोकोपीट रखो ताकि एरेशन अच्छा चले, क्योंकि इनकी थिकनेस बहुत ज़्यादा नहीं होती है, तो अगर आप मिट्टी की वैल्यू कम रखोगे, मिट्टी की मात्रा कम रखोगे तो ये ड्यूरेबल ज़्यादा रहेगा। ग्रो बैग को अगर हम ले जाके अपने रूफ टॉप गार्डन पर फर्श पर रखते हैं तो इनमें से नीचे सीलन तो नहीं आएगी? सीलन के लिए आप दो चीज़ें कर सकते हैं। देखिए सीलन स्पेशली क्या होता है, जैसे बाहर गार्डन में रख रहा हूँ तो सीलन की आपको समस्या नहीं है, लेकिन अगर आप छत पे रख रहे हो या इंडोर रख रहे हो तो सीलन की समस्याएं आती हैं, तो उसके लिए ड्रेन मैट आता है, आपने देखा होगा जो जाली जैसा होता है छोटा सा, वो ड्रेन मैट होता है, ताकि जब आप छत पे लगाओ या वैसा लगाओ तो उसको इसके नीचे रख देते हैं। हालांकि वो काफ़ी वजन भी नहीं होता और काफ़ी अच्छा होता है, जिससे पानी आसानी से ड्रेन आउट हो जाता है, तो वो इसके अंदर नहीं, आपको इसके नीचे रखना होता है। एस ट्रे आप रखोगे तो उसमें पानी कलेक्ट होता है तो वो आपको फेंकने का काम पड़ता है, फिर आपको मेहनत पड़ेगी, इसलिए वो हम ड्रेन सेल्स रखते हैं, तो वो ड्रेन ट्रे होती है, उसके हिसाब से पानी नीचे आता है और अपने आप ड्रेन आउट हो जाता है, तो आपको उसके लिए सफाई की या वैसी कोई दिक्कत नहीं आएगी कभी। तो ड्रेन ट्रे अभी आपके पास नहीं है? ड्रेन ट्रे बहुत जल्दी आपको मिल जाएगी, अभी अवेलेबल नहीं है, रहती थी अभी खत्म हो गई और आपको बहुत जल्दी फिर अवेलेबल मिलेगी अपने पास। दोस्तों स्क्रीन के ऊपर आपके देखिए ड्रेन ट्रे की फोटो आ रही होगी, तो ये भी यहाँ पर अभी इस टाइम पर ख़त्म हो गई है, क्योंकि डिमांड इस टाइम बहुत ज़्यादा होती है, तो जल्दी ये भी आपको यहाँ पर
मिलेगी। विजय जी, हमारे व्यूवर्स को कुछ इनका साइज और उनका प्राइस भी बता दीजिएगा। देखिए, आप जैसे भी यूज़ करना चाहते हैं उस हिसाब से हमने आपको पहले ही बताया कि क्वालिटी में काफ़ी अच्छा है। उसमें आपको जो सबसे मीडियम साइज़ है, सबसे छोटा साइज़ है, वो भी हमारे पास अवेलेबल है 10 इंच का जी। 10 इसका 10 इंच का मतलब 10x10 बराबर साइज होता है, और ये आपको मिलेगा 60 रुपये का। 60 रुपये। और इसके बाद इससे एक साइज़ बड़ा अगर आप लेते हैं तो ये आता है 12 इंच का, ये भी 12x12 होता है, इसका प्राइस है 70 रुपये। फिर उससे बड़ा साइज़ है जो ठीक ठाक प्लांट इसमें अच्छे चल जाएंगे आपके, ये है 15x15, ये आपको पड़ेगा 100 रुपये का। और इससे अगर एक साइज बड़ा लेते हैं तो फिर 18 इंच है, ये आएगा 130 रुपये का, और ये भी काफी बड़ा साइज है अगर आप देख पाएंगे, मतलब लगभग 1 से 1.5 बोरी मिट्टी कम से कम इसमें आएगी, और अच्छे प्लांट्स के लिए ठीक है। और बाकी आप साइज तो काफी है इसमें, तो काफी साइज के हिसाब से रेट्स भी हैं, पर आपको जो रेट मिलेगा वो मार्केट से बेस्ट मिलेगा, उसके लिए आप कभी भी आके विजिट करिए तो आपको एक एक चीज का अंतर समझ में आएगा। अच्छा, कोई ज्यादा अगर लेता है तो कुछ डिस्काउंट होगा? देखिए, कोशिश तो अभी हम यही कर रहे हैं कि क्वालिटी हमने बहुत अच्छी दी है, इसलिए डिस्काउंट का बहुत ज्यादा चांसेस नहीं है, पर अगर आप क्वांटिटी बढ़ाते हो तो जरूर होगा, जो पॉसिबल होगा वो जरूर किया जाएगा। और ये ट्रे आपकी कब तक किया जाएंगे? ट्रे आपको अप्रैल मिड के बाद मिलेगी, 15 अप्रैल के बाद मिल पाएगी। अभी कुछ और भी आप इसमें क्वालिटी बढ़ाने वाले हैं? इसमें और शेप्स चलते हैं, जैसे कभी आपने देखा होगा रेक्टेंगुलर लगा हुआ है या धनिया वगैरह उगाने के लिए, तो वैसी कुछ बढ़ाएंगे, पर अभी ऐसा सच नहीं प्लान है, क्योंकि अभी जो बेसिक नीड्स हैं आप जो नॉर्मल सीजनल प्लांट लगाते हो या फिर वैसे, उनके लिए यही सारे अच्छे होते हैं, और बाकी हम कोशिश करेंगे, पर उसके लिए थोड़ा टाइम लगेगा। हम जल्दी मंगाते हैं और भी साइज और भी शेप्स, तो वो आपको पसंद आएंगे, पर फिलहाल अगर आपको चाहिए तो ये जो नॉर्मल साइज चलते हैं, ये क्योंकि ग्रोबैक की डिमांड बहुत ज्यादा थी, इसलिए हमने अभी स्टार्टिंग में थोड़ा बहुत रेंज मंगाया है, और हम इसको और ज्यादा बढ़ाएंगे। तो दोस्तों, आप लोग की डिमांड की वजह से ही विजय भाई ने ये सारे ग्रो बैग मंगाए हैं, और आप समझ सकते हैं कि जिस तरीके से आप लोग का इसमें रिस्पांस मिलेगा, आप लोग इसको खरीदेंगे, उसी हिसाब से धीरे धीरे करके ये और भी इसमें चीज़ों को बढ़ाएंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद विजय जी, आपने हमारे व्यूअर्स को इतनी अच्छी जानकारी दी, धन्यवाद। तो दोस्तों, अभी विजय जी हमारे साथ में थे और उन्होंने देखिए कितने अच्छे ग्रो बैग हमें दिखाए हैं, और अब मैं अपनी पर्सनल राय आप लोग को देना चाहूँगा कि ये ग्रो बैग मुझे कैसे लगे। तो दोस्तों, मैं ग्रो बैग काफ़ी समय से इस्तेमाल कर रहा हूँ, और इसमें अलग अलग जैसम आते हैं, मैंने ऑनलाइन भी खरीदे हैं और ऑफलाइन भी बहुत अलग अलग जगह से खरीदे हैं, और ये ग्रो बैग मुझे काफ़ी अच्छे लगे हैं। इनकी जो सिलाई है वो भी काफ़ी अच्छी है, और फैब्रिक भी मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है। और ग्रो बैग की लाइफ की बात करें दोस्तों, तो मुझे तो लगता है कि ग्रो बैग बस आपके मुश्किल मुश्किल 4 साल या 5 साल ही चल पाता है, और कई कई बार तो ग्रो बैग 3 ही साल में खराब हो जाता है, तो ज़्यादा इनकी लाइफ नहीं है। प्लांट्स की बात करें तो मुझे तो ग्रो बैग हमेशा सब्जियाँ लगाने के लिए सबसे बेस्ट लगा है, और खाद इसमें आप वर्मी कंपोस्ट का यूज करिए, गोबर खाद यूज करिए, बहुत अच्छी इसमें रूफ टॉप गार्डन पे आप वेजिटेबल्स अपने गार्डन में लगा सकते हैं। तो अच्छे ग्रो बैग हैं, और यकीन मानिए दोस्तों, प्राइस भी बहुत अच्छा मुझे लग रहा है, और आप कहीं भी जाकर देखिए, इस प्राइस में इतने अच्छे जैसम के ग्रो बैग आपको जल्दी मिलेंगे नहीं। मेरा ओपिनियन है, आपको इस तरीके से आप लोगों ने रिक्वेस्ट किया तो मैंने आपको ग्रो बैग अच्छे यहाँ पर आकर दिखाए। तो आगे भी दोस्तों इसी तरीके से अगर मेरे चैनल पर आप वीडियो देखना चाहते हैं तो इस मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ओके फ्रेंड्स, बाय। जय हिंद, जय भारत। हैप्पी गार्डनिंग फ्रेंड्स।